क्या आप भी बहुत दिन से एक ऐसा 3BHK ढूंढ रहे हैं जो कॉर्नर का हो, एल टाइप हो, कंप्लीट वेंटिलेटेड हो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, वो भी मेट्रो स्टेशन के पास हो और आप उस पे होम लोन ले सके? तो आज आपकी सर्च खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिलेगा यही। जो 3BHK का हम लोग फ्लैट देखने वाले हैं, ये एल टाइप का है, कॉर्नर का फ्लैट है, कंप्लीट वेंटिलेटेड। साथ में एक फ्लोर पे आपको 3 फ्लैट मिल जाता है। पूरे बिल्डिंग में 12 फ्लैट मिलते हैं, जिसमें 2BHK के 4 फ्लैट हैं और 3BHK के 8 फ्लैट हैं। लिफ्ट भी है, कार पार्किंग भी है और इसकी जो लोकेशन है वो उत्तम नगर न्यू दिल्ली है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट पड़ेगा और आसपास में जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, ई रिक्शा, कैब, घर के अंदर भी जो चीजें आपको मिलनी चाहिए लाइक पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, वो सारी चीजें आपको मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देखें कि आसपास में क्या क्या मिल रहा है। एक बार छत पे मैं आपको लिए चलता हूं। देखिए, जब आप छत पे खड़े होंगे तो आसपास की जो लोकेशन है वो आपको इस तरह से दिखेगी और जब आप अपनी बिल्डिंग में आएंगे तो आपकी जो बिल्डिंग है वो इस तरफ से दिखने वाली है। चूंकि एक एल टाइप का ये है तो एक तरफ की एलिवेशन आपको ऐसी दिखेगी, दूसरी तरफ की एलिवेशन आपको इस तरह से दिख जाएगी। और ये पूरा जो बड़ा सा आपको गेट दिख रहा है ये आपके कार के लिए है। इसी गेट से आप अपनी कार को इस पूरे पार्किंग में पार्क करेंगे और साथ में ये जो लिफ्ट का आप सेक्शन देख रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाता है। और स्टेयर्स से हम लोग अपने फ्लैट के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं फ्लैट का जो पूरा इंटायर व्यू है वो। जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो हम चाहते हैं फ्लैट को घर बैठे ही समझना कि कहाँ पे क्या क्या बनाया गया है। जैसे ही हम अपने फ्लैट में एंट्री ले रहे हैं तो सामने ईस्ट फेसिंग है, घर के जब आप बाहर निकलेंगे तो वेस्ट फेसिंग मिलेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दो तरह के डोर मिलते हैं, एक तो यहाँ आयरन डोर आपको मिल रहा है और दूसरा जो वुडन डोर है वो आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो ये एक ब्यूटीफुल पैसेज मिल जाता है जिसे में हम लोग इस तरह से डेकोरेशन किया है। देखिए, इस तरह से ऊपर आपको सीलिंग की डिजाइन मिल जाती है और साथ में इस तरह का पूरा आपको पैसेज देखने को मिलता है। लेआउट भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने अपने फ्लैट में एंट्री ली तो ये पूरा आपको ड्राइंग रूम मिलता है। देखिए, इस तरह का आपको ड्राइंग रूम मिला। यहाँ आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हैं, इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है और बैल्कनी मिलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है किचन, मॉड्यूलर किचन, वेंटिलेटेड है। और आप लोग का बहुत बार ये क्वेश्चन होता है या आप पूछते हैं कि जो आपका किचन है वो बाथरूम के वॉल से सटा हुआ, चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसमें वो एकदम अलग रखा गया है। किचन आपको इस तरफ मिलता है, बेडरूम आपने यहाँ पे देखा है। जब इससे आगे चलेंगे तो यहाँ आपको सेकेंड बेडरूम मिलता है, इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिल जाती है। दोनों बेडरूम से भी आपने बैल्कनी देख ली। यहाँ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम और ये आपको मिलता है जो थर्ड बेडरूम है वो। अब हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से सारी चीजें। आप इस तरफ आइए देव, एक बार मैं एंट्री पे जाके इस घर के मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां से हम लोग ने अपने घर में एंट्री ली है। जो मैंने आपको पैसेज दिखाया था वो यहां है, इस तरह का है। जैसे ही आप एंट्री लेंगे अपने घर में तो इस तरह का ब्यूटीफुल आपको एक डिजाइन देखने को मिलेगा। इस पैसेज को, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इस तरह से हम लोग ने डेकोरेट किया है। यहाँ भी ये चीजें रखी गई है जो आपके पैसेज को ब्यूटीफुल बनाता है। और ये जो पूरा ड्राइंग रूम है काफी स्पेशियस है, चूंकि 95 गज का आपको एरिया मिलता है। तो ये जो आपको दीवार मिल रहा है ये एल टाइप की दीवार मिलती है, जिसमें हम लोग ने 3D लुक का
वॉलपेपर लगाया है, और सिटिंग आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तकरीबन 8 यहाँ पे सिटिंग बनाया जा सकता है, 8 सीटर सोफा लगाया जा सकता है। देखिए ये पूरा इस तरफ भी आपको स्पेस मिला, यहाँ स्पेस मिला, बीच में कॉफी टेबल का भी अच्छा खासा साइज है, दो आपको यहाँ पे पफी मिल जाते हैं। और इसमें जो झूमर लगाया गया है, देखिए एक एंटिक डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस तरह का झूमर आपको मिलता है। मैं फॉल सीलिंग भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देव एक बार पूरा आप ऊपर से दिखाइए, इस तरह का फॉल सीलिंग की डिजाइन मिलती है, जिसमें हम लोग ने प्रोफाइल लाइट यूज किया है, MDF की सीट यूज की गई है, और साथ में जो आपको LED लाइट्स मिल रही है वो यहाँ आपको देखने को मिलता है, फैन भी दो इसमें लगाया गया है। यहाँ आपको बड़ा सा TV पैनल मिल जाता है, साइज आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसका लेआउट चाहते हैं तो आप अपना नंबर भेजिए, आपको हम लोग लेआउट व्हाट्सएप कर देंगे। ये बड़ा सा आपको टीवी पैनल मिला, यहाँ आपका सेटअप बॉक्स मिल जाएगा, माफ करिएगा मिल नहीं जाएगा, यहाँ पे आप अपना सेटअप बॉक्स रख सकते हैं। दो ड्रॉर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ में नाइट लैम्प भी है। ये सारे बॉक्सेस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जिसे इस तरह से डेकोरेट किया जा सकता है, ऊपर भी यहाँ आपको इस तरह से स्पेस मिल जाता है। हम लोग ने यहाँ स्पॉट लाइट भी लगाया है, इसके ऊपर कॉल बेल भी लगा के हम लोग दे रहे हैं, और इसमें स्प्लिट AC की वायरिंग भी आपको करके मिलती है, जो यहाँ है इंडोर और आउटडोर आपको यहाँ लगाना है अपने स्प्लिट AC का। तो इस तरह का पूरा आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलना, हमने कोशिश की एक एक चीज आपको एलिब्रेट करने की। मैं चाहता हूँ आपका टाइम भी बचे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, घर बैठे आप डिसीजन ले सके आपको इस फ्लैट को विजिट करना है कि नहीं। और हाँ, सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसके पास हर चीज आपके लिए है, चाहे 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, जर्से मकान हो, एल टाइप का फ्लैट हो, कॉर्नर का फ्लैट हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, सब चीज आपको मिलेगा। चलिए इस बेडरूम की बात कर लेते हैं, यहाँ इस तरह का पूरा आपको बेडरूम मिलता है। देखिए इसमें हमने कोशिश की है कि बेड लगा के आपको दिखा दूं कि कितना स्पेस बचता है। यहाँ 6x6 का हम लोग ने बेड लगाया है, पीछे इस तरह से आपको बैक वॉल मिल जाता है, और डिजाइन ऊपर से इस तरह का आपको पूरा मिल रहा है। दोनों तरफ वार्डरोब मिल जाता है स्टोरेज के लिए, देखिए यहाँ भी आपको इस तरह का पूरा स्टोरेज मिलता है, नीचे भी स्पेस मिल रहा है आपको, और दूसरी तरफ भी सेम स्पेस आपको मिलता है, यहाँ आपको स्पेस मिल रहा है। साथ में इसमें हम लोग ने टीवी पैनल बनाया है, लेकिन जगह बचाने की कोशिश की है, अगर इसमें हम लोग बाहर की तरफ स्लॉट निकाल देते हैं तो आने जाने का जगह नहीं बचता, तो इसको स्लीक रखा गया है, इसमें आपका टीवी आ जाएगा। ऊपर ये जो आप ओपन कैबिनेट्स देख रहे हैं, इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं। साथ में यहाँ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, इसमें एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, पहले फ्लोरिंग दिखाई दे, एंटी स्किड टाइल्स की ये आपको फ्लोरिंग मिलती है। इसका फायदा होता है आपका पैर नहीं फिसलेगा, और जितनी भी सैनिटरी फिटिंग इसमें आपको मिलती है उसका जो ब्रांड है वो हम लोग ने पैरीवेयर यूज किया है। देखिए इस तरह का पैरीवेयर का आपको ब्रांड मिलता है, डाइवर्टर यूज किया गया है, इसी टाइप से ठंडा और गर्म पानी आपको मिल जाएगा, यहाँ गीजर के पॉइंट्स दिए गए हैं, शावर आपको यहाँ मिलता है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट भी हम लोग लगा के दे रहे हैं, और वॉल माउंटेड सीट यहाँ मिलता है, ये भी पैरीवेयर का है। एक बार क्लोज करके ब्रांड दिखाइए दे, यहाँ देखिए इस तरह का पैरीवेयर का आपको यहाँ ब्रांड मिलता है। ऊपर ये जो जगह आपको यहाँ मिल रहा है, इसमें बाथरूम से रिलेटेड आप कोई स्टफ रख सकते हैं, वॉश बेसिन भी आपको यहाँ मिल जाता है, देखिए ये वॉश बेसिन मिलता है, इसके ठीक सामने हम लोग ने मिरर भी लगा दिया है। अब इसके साथ जो आपको बैल्कनी मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहीं से आपके मास्टर बेडरूम के साथ ये आपको बैल्कनी मिल जाती है, इस तरह का पूरा आपको बैल्कनी देखने को मिलता है। अब हम लोग यहां से चल लेते हैं और देख लेते हैं जो अपना मॉड्यूलर किचन है वो, और वो भी वेंटिलेटेड है, उसमें भी आपको विंडो मिलता है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये किचन है, पूरा स्पेस दिखाइए एक बार देव, इस तरह का बड़ा सा आपको किचन मिलता है, स्पेस यहां से शुरू हो जाता है और ये पूरा इस तरह का आपको स्पेस मिल रहा है। फ्रिज देखिए कितना बड़ा जगह आपको यहाँ मिल रहा है, जितना बड़ा भी आप फ्रिज यूज करते हैं, चाहे वो डबल डोर हो, साइड बाई साइड हो, सिंगल डोर हो, बहुत आराम से आ जाएगा। और उसके साथ में ये जो आपको काउंटर मिलता है, ये हम लोग ने यहाँ पे पत्थर यूज किया है, जो स्क्रैचलेस है, इजी टू मेंटेन है, स्क्रैच नहीं आएगा। चिमनी मैं दिखाना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है वो भी हमने यहाँ इनाल्सा ब्रांड का यूज किया है,
और इसके ऊपर जो डिजाइन आपको मिलती है फॉल सीलिंग की, वो देखिए इस तरह का आपको पूरा डिजाइन मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। और आपको इसमें फ्रेश एयर की बिल्कुल कमी नहीं खलेगी, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। विंडो में भी दो तरह के पल्ले मिल जाते हैं, थोड़ा क्लोज करिए दे, एक जाली का पल्ला मिलता है और एक कांच का पल्ला मिलता है। इसके ऊपर एक जॉस्ट के लिए भी स्मॉल विंडो दी गई है, आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। गीजर के लिए यहाँ दिया गया है, यहाँ आपका गीजर आ जाएगा। साउंड प्रूफ यहाँ सिंक मिल जाता है, अगेन टैप यहाँ मिलता है जिसका ब्रांड पेरिवियर है, हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए। दिल्ली जल बोर्ड का जो मीठा पानी आता है, सप्लाई वाला पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए यहाँ टैप दिया गया है। और साथ में ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, देखिए इस तरह का सारा कैबिनेट्स मिलता है। मैं एक दो ओपन करके दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं चीजें बहुत एलिब्रेट करता हूँ इसलिए वीडियो कितनी बार लंबी हो जाती है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए इस तरह का पूरा आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ भी स्पेस मिलता है, यहाँ भी देखिए इस तरह के स्लॉट्स आपको मिलते हैं, यहाँ भी जगह मिल जाता है आपको। नीचे भी बड़े सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, देखिए इस तरह के सारे कैबिनेट्स आपको बड़े बड़े मिल रहे हैं। कटलरी वेयर के लिए अलग कैबिनेट्स है, प्लेट के लिए अलग है, तो ये सारे आपको अलग अलग स्पेस मिल रहे हैं। यहाँ भी स्पेस मिलता है, इस तरफ भी आपको स्पेस मिल रहा है, और जो कॉर्नर में स्पेस बचा था उसे भी हम लोग ने यूज कर लिया था, इस तरह का स्पेस यहाँ भी आपको मिल जाता है। साथ में ये स्पेस भी आपको मिल रहा है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने अपना जो पूरा किचन है वो देखा, नीचे के कैबिनेट्स, ऊपर के कैबिनेट्स, साथ में सीलिंग की डिजाइन, सारी चीजें हम लोग ने देखी। देखिए ये जो थोड़ा पीछे देख जाइए, यहाँ आपका ड्राइंग रूम आ गया, जो कॉमन वॉशरूम है वो यहाँ आपको मिलता है, और इसको इस तरह से बनाया गया है कि इस बेडरूम सेकेंड बेडरूम है उसके साथ भी यूज हो जाएगा, और जो आपका ये थर्ड बेडरूम है उसके साथ भी यूज हो जाएगा। पहले मैं दिखाता हूँ इसका साइज, देखिए आप कितना बड़ा है, एक बार पूरा साइज दिखाइए देव, मैं एक बार बाहर आता हूँ, अब दिखाइए। इसमें भी जो फ्लोरिंग आपको मिलती है वो एंटी स्किड टाइल्स की मिलती है, और बहुत ही स्पेसियस यहाँ आपको जो वॉशरूम है वो देखने को मिल रहा है। और एक चीज और भी, सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वाइड लेंस कैमरा यूज नहीं करता है, जो भी साइज आपको दिखेगा वो एक्चुअल साइज होता है। जब आप फ्लैट भी विजिट करेंगे तो सेम चीज देखने को मिलेगी जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ वॉल माउंटेड सीट लगाया गया है, और ऊपर ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ बाथरूम से रिलेटेड कोई स्टफ है वो रख सकते हैं। ऊपर जिस तरह से गीजर हम लोग लगाए हैं आप भी लगा सकते हैं, और साथ में यहाँ एग्जॉस्ट भी दिया गया है, स्मॉल विंडो भी है। बाथिंग एरिया इसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है, देखिए इस तरह का पूरा स्पेस आपको मिल रहा है। टैप मिल जाते हैं, एक आपका जो डायरेक्ट पानी आता है उसके लिए, ये दूसरा मिलता है ठंडा और गर्म पानी इसी से आएगा क्योंकि यहाँ डाइवर्टर यूज किया गया है। इसके ऊपर आपको शावर मिलता है, वॉश बेसिन आपको यहाँ मिल जाता है, और ये सामने जो मिरर है वो मिलता है। तो इस तरह का पूरा स्पेसियस ये आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है। अब हम लोग चल लेते हैं और देख लेते हैं इसी के साथ जो सेकेंड बेडरूम आपको मिल रहा है वो, एक बार फ्लोरिंग दिखाइए देव। विट्रीफाइड टाइल्स की यहाँ पे आपको फ्लोरिंग मिलती है जो स्क्रैचलेस होता है, इजी टू मेंटेन होता है। इस बेडरूम में आपको जो स्टडी टेबल है वो देखने को मिलेगा, अगर आप स्टडी का शौक रखते हैं या आपका वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, अगर आप स्टडी का शौक रखते हैं तो ऊपर इसमें आप अपना जो बुक है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरेज के लिए भी यहाँ स्पेस मिल जाता है। ये जो स्पेस देख रहे हैं ऊपर, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, और ऊपर इस तरह का पूरा जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग के। इस तरह से पूरा डिजाइन आपको यहाँ मिल रहा है। वेंटिलेशन की ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, चूंकि एल टाइप का फ्लैट है, यहाँ विंडो दी गई है। विंडो में भी दो तरह के पल्ले मिलते हैं आपको, एक जाली का पल्ला मिल रहा है और एक कांच का पल्ला मिलता है। आप चाहें तो कांच का पल्ला ओपन रख सकते हैं, और ये जाली का पल्ला अगर आप लगा के रखेंगे मक्खी मच्छर घर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन हाँ फ्रेश एयर जरूर आएगा। इसके साथ यहाँ वार्डरोब आपको मिल रहा है, देखिए इस तरह का पूरा डीप स्टोरेज मिल रहा है, और इसमें भी आपको टीवी पैनल मिल जाता है। ड्राइंग रूम में भी आपने टीवी पैनल देखा, जो मास्टर बेडरूम है उसमें भी टीवी पैनल देखा, और यहाँ भी इस तरह का आपको टीवी पैनल मिलता है। दो यहाँ पे आपको कैबिनेट्स भी मिल जा रहे हैं, ये दोनों बॉक्सेज हैं, डेकोरेशन के लिए कोई शो पीस आप यहाँ रख सकते हैं।
अब हम लोग चल लेते हैं और देख लेते हैं जो अपना थर्ड बेडरूम है वो। इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिलता है। जैसे आप एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्पेस तो देखने को मिलता ही है। सामने जो दीवार मिलती है उस पे हम लोग ने 3D लुक का वॉलपेपर यूज किया है और साथ में ये आपको वार्डरोब यहाँ मिल जाता है। देखिए इस तरह का वार्डरोब मिलता है। इसके अंदर भी एक बड़ा सा आपको कैबिनेट्स मिल रहा है, ड्रॉर्स मिल रहा है। इसमें भी आपको टीवी पैनल मिलता है। इस तरफ आइए, देव मैं दिखाता हूँ। यहाँ इसमें टोटल 4 टीवी पैनल आपको मिल जाते हैं। इस तरह का टीवी पैनल है, 2 इसमें ड्रॉर्स हैं, यहाँ आपका टीवी आ जाएगा। इसके साथ जो ऊपर सीलिंग की डिजाइन मिल रही है वो आपको इस तरह से मिल रहा है। सीलिंग में हम लोग ने कॉब लाइट अभी नहीं लगाया है, अगर आप चाहेंगे तो हम कॉब लाइट इसमें लगवा देंगे। चूंकि एल टाइप का फ्लैट है, वेंटिलेशन आपको हर जगह मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिलेगा। यहाँ भी इस तरह का पूरा विंडो मिल जाता है, ऊपर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। इसमें भी 2 तरह के पल्ले मिलते हैं, कांच का और जाली का। इसी के साथ जो आपको बैल्कनी मिलता है वो देखिए, बैल्कनी में आप वेट एरिया बना सकते हैं। टैप हम लोग ने लगा दिया है, आप चाहें तो अपना वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3BHK का फ्लैट देखा जो 95 गज में बना हुआ है, जिसमें 4 टीवी पैनल है, 2 आपको बैल्कनी मिलती है, किचन वेंटिलेटेड है, उत्तम नगर न्यू दिल्ली में है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप इस पे लोन ले सकते हैं। अब अगर आपको इस फ्लैट की जरूरत है तो विजिट कीजिए। अगर आपको इसकी फ्लैट की जरूरत नहीं है, आपके नियर एंड डियर कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं, उनको आप इस फ्लैट की वीडियो शेयर करिएगा। अगर उनको 3BHK नहीं भी चाहिए होगा, कोई और फ्लैट चाहिए होगा, वो इसी चैनल पे मिल जाएगा, उनके सपनों का घर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ इसी चैनल पे आपके सपनों का घर मिल जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफ कोर्स आप ही सानवी रियल एस्टेट हैं और आप ही से सानवी रियल एस्टेट है। घर से ही मिलेगा यहीं। थैंक यू।